एक पिता और बेटे की कहानी है। पिता ने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तेरे लिए ऐसा पति खोज कर लाऊंगा जो तुझे बहुत प्यार करे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे, तेरे सुख दुख को समझ सके, तेरी आंखों में आंसू न आने दे, तेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। बेटी ने पूछा, क्यों पापा? पिता बोले, बेटा हर बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को राजकुमार जैसा पति मिले जो उसे बहुत प्यार दे और उसे हमेशा सुखी रखे। बेटी बोली, तो पापा नाना जी ने भी आपको मम्मी का हाथ यही सोच कर दिया ना कि आप भी राजकुमार हो, फिर आप मम्मी को क्यों रुलाते हो? कहीं बाहर भी नहीं ले जाते और प्यार भी नहीं करते और हमेशा चिल्लाते रहते हैं, तो क्या आप अच्छे वाले राजकुमार नहीं निकले? ये सुन पिता को एहसास हुआ कि मुझे भी किसी ने राजकुमार समझकर अपने कलेजे का टुकड़ा दिया है। मैं खुद राजकुमार बना रहा पर अपनी पत्नी को कभी राजकुमारी नहीं समझा। आज खुद बाप बनने के बाद एहसास हुआ कि आपने दिल के टुकड़े को सही हाथ में नहीं सौंपा, उसके दिल के टुकड़े हो जाएंगे जो आप कभी नहीं सहेंगे। इसलिए जैसा आप अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी के लिए भी सोचिए। आखिर वो भी किसी की बेटी है, आंखों का तारा है। उसे दुख होगा तो उसके पिता को भी दुख होगा। कृपया कर अपने घर की औरतों को भी इज्जत और प्यार दीजिए, वो भी किसी की बेटी है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। That's all.